नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा, तहलका टुडे में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। अफगान उपराष्ट्रपति के पहुंचते ही काबुल एयरपोर्ट पे हुआ धमाका, 16 लोगों की हुई मौत, दिखे रिपोर्ट। तकरीबन एक साल निर्वासन में रहने के बाद अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अब्दुल राशिद दोस्तम की वतन वापसी के कुछ ही देर पहले काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक विस्फोट हुआ, जिनमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस विस्फोट में 16 लोग के मारे जाने और 60 के घायल होने की पुष्टि की है। हताहतों में ज्यादातर पुलिसकर्मी भी शामिल है। हवाई अड्डे पर जिस समय विस्फोट हुआ, उस समय दोस्तम सरकारी अधिकारियों और समर्थकों की एक बड़ी भीड़ के साथ हवाई अड्डे से निकल रहे थे। हम आपको बता दें कि दोस्तम शक्तिशाली उज्बेक नेता हैं, पश्चिमी पोशाक पहने हुए थे। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार दोस्तम के प्रवक्ता बशीर अहमद तयाच ने बताया कि दोस्तम का काफिला निकलने के दौरान विस्फोट की आवाज सुनाई थी। दोस्तम बख्तर बंद वाहन से चल रहे थे, वह सुरक्षित थे। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नाजिब दानिश ने कहा कि संभवतः आत्मघाती हमला था। इससे पहले अफगानिस्तान के जॉर्जन प्रांत के आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट से जुड़े 11 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पहले ग्रेटर नोएडा, फिर गाजियाबाद, अब दिल्ली के द्वारका में अवैध निर्माणों का जानलेवा खेल, दिखेंगे रिपोर्ट। पहले ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी, फिर गाजियाबाद के मिसलगढ़ी और अब दिल्ली के द्वारका में इमारत ढहने की खबर। एक के बाद एक इमारतों ताश के पत्ते की तरह भर भरा कर गिरने, आम आदमी हैरान है और परेशान है। NCR में एक छोटा सा आशियाना बनाने के सपने को पूरा करने के लिए लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई लगा दी, पर बिल्डर, पुलिस और प्रशासन की मिली भगत उन्हें मौत के मुंह में धकेल देती है। जी हां, हाल ही में इन सभी मामलों में अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाने और घटिया निर्माण सामग्री के साथ प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। रविवार रात 1 बजे दिल्ली के द्वारका में हर्ष विहार में एक इमारत के ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। घटना कहीं की भी हो, अवैध निर्माण के इस खेल को पूरा नेटवर्क बना हुआ है। किसी भी जोन में अवैध निर्माण शुरू होता है तो तत्काल प्रशासन को पता चलता है। जानकारी JEE को मिलती है तो वह फौरन बिल्डर के पास पहुंचकर लेन देन शुरू कर देता है। सूत्रों के अनुसार अभी मार्केट डाउन होने की वजह से कम से कम 30,000 रुपये एक फ्लोर का सौदा किया जाता है। हालांकि इसमें गारंटी नहीं दी जाती, यानी दबाव पड़ने पर कार्रवाई का खतरा बना रहता है। शेल्टर होम में 16 लड़कियों से रेप का आरोप, दफनाए गए शवों की तलाश में खुदाई, देखिए रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह के अंदर लड़कियों से बलात्कार की घटना में एक और खुलासा हुआ। पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि उनकी एक साथी की हत्या कर उसकी लाश हॉस्टल परिसर में ही दबा दी गई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने बालिका गृह के अंदर खुदाई कराई। हालांकि अब तक की खुदाई में पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी जानकारी पीड़िता ने दी हो। मुजफ्फरपुर में SSP हरप्रीत कौर ने बताया कि खुदाई में कुछ नहीं मिला, लेकिन मामले की गहन जांच की जा रही है। SSP के मुताबिक अब तक इस केस में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरप्रीत कौर ने बताया कि हम जल्द ही इस केस में चार्जशीट दायर करेंगे। उन्होंने बताया कि पूछताछ किसी भी लड़की ने ये नहीं बताया कि उन्हें हॉस्टल से बाहर ले जाया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सेवा संकल्प एवं विकास समिति के इस बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर और विनीत कुमार शामिल हैं। इन दोनों के अलावा बालिका गृह में काम कर रही 7 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। रेल राज्य मंत्री ने किया ऐलान, मऊ से लखनऊ के लिए चलेगी नई ट्रेन, देखें ये रिपोर्ट। केंद्रीय संचार व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि वाराणसी मऊ रेलखंड पर लखनऊ के लिए 15 अगस्त तक नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेन ओडिहार जंक्शन या मऊ से चलेंगी। इसके अलावा वाराणसी से बलिया जाने वाली मेमू ट्रेन का एक फेरा और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये घोषणा नवनिर्मित क्षेत्रीय परीक्षण संस्थान और गाजीपुर सिटी स्टेशन पर बने वॉशिंग पिट के उद्घाटन अवसर पर रविवार को की। उन्होंने कहा कि गाजीपुर से मऊ तक नई रेल लाइन के लिए दोनों जिलों के DM को जमीन अधिग्रहण के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के पास अपना कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। इस ट्रेनिंग सेंटर के शुरू होने से काफी सहूलियत होगी। वॉशिंग पिट पर कहा गया कि पूर्वोत्तर रेलवे 13वीं वॉशिंग लाइन होगी, जहां गाड़ियों को ठीक ढंग से सफाई करने के लिए गाजीपुर अब बी श्रेणी के स्टेशन में भी शुमार हो गया है। बाराबंकी से अकबरपुर के बीच रेल मार्ग का दोहरीकरण अगस्त माह से, देखेंगे रिपोर्ट। लखनऊ से वाराणसी के बीच रेल यातायात को सुगम बनाने के लिए रेलवे की बजट में की गई घोषणा साकार होने के करीब है।
रेल मुख्यालय ने अकबरपुर रेलवे स्टेशन से बाराबंकी रेलवे स्टेशन तक दोहरी लाइन को स्वीकृति देते हुए कार्यदायी संस्थाओं से टेंडर आमंत्रित किए हैं। बाराबंकी से अकबरपुर स्टेशन तक रेल मार्ग पर दोहरीकरण का कार्य दो जोन में बांटकर किया जाएगा। इसके लिए अकबरपुर से सोहावल तक प्रथम जोन व सोहावल से बाराबंकी तक दूसरा जोन निर्धारित किया गया है। प्रथम जोन में अकबरपुर के सोहावल रेलवे स्टेशन तक दोहरीकरण के लिए पुल निर्माण व मिट्टी के कार्यों के लिए पंजीकृत कार्यदायी संस्थाओं में टेंडर मांगे गए हैं। तो इसी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंशी डोगरा के साथ। धन्यवाद।